जिंदाबाद सलीकी के साथ आपस रात में अजमत गौसे आजम शान गौसे आजम हजरत मौलाना मुरादुल्ला फैजी साहब कबीला उस्ताद दारुल्लूम खैरिया फैज साहब हजरात ने अदब एहतराम के साथ समाप्त कर लिया है। मिंबर शरीफ पर आप हजरात देख रहे हैं कि खुसूसी बता और खुसूसियत के साथ जिनका खुसूसी खिताब होना है मेहमान खुसूसी की हैसियत से हजरत इलामा मौलाना हाफिज असदुद्दीन साहब कबीला करना मुंबई तशरीफ रखते हैं अदब एहतराम के साथ शायर मुल्क आज़म कप्तान जनाब एहसान शाकिर जैनपुरी तशरीफ रखते हैं। अभी आप हजरात शान गौसे आज़म बहुत पुरमक्स खिताब मोतबर खिताब आप हजरात ने समाप्त कर लिया। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत तेजी के साथ ये प्रोग्राम अपनी आखिरी मंजिल की तरफ मायल होगा। सलीकी के साथ आप हजरात विदाई के साथ जो लोग पीछे हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ थोड़ा सा करीब आ जाए ताकि ये एहसास हो कि सारे लोग मिले हुए हैं, कोई मोहल्ला अलग नहीं है। ये मानवपुर शमसपुर का मोहल्ला इतना बड़ा है कि अगर एक एक घर से सारे लोग आ जाते तो ये पतली गली में जगह कोई बाकी ना रहती। सलीके के साथ आप हजरात समझदार हैं माशाल्लाह। एक साहब नहीं मान रहे आ जाए, हमेशा अपनी बीवी की बात मानते, कभी कभी अनाउंसर की बात मान लिया करें, करीब आ जाए माशाल्लाह साहब को सलामत रखे। सलीके के साथ साथ अदब के साथ गुले बाग फातमी लिख लो, देखें अदब के साथ गुले बाग फातमी लिख दो, जनाबे गौस को शहजादे अली लिख दो। अदब के साथ गुले बाग फातमी लिख दो, जनाबे गौस को शहजादे अली लिख दो, और हमें भी हश्र में रहना है उनके साए में तो हमारे नाम के आगे भी कादरी लिख दो। हमें भी हश्र में रहना है उनके साए में, हमारे नाम के आगे भी कादरी लिख दो, हमारे नाम के आगे भी कादरी लिख दो। बड़ी तेजी के साथ मैं मेरे करम फरमा बंदा है रसूल बुलबुले बागे मदीना अपने भाई जनाबे आबिद फैजी से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और झूम करके नबी के नाथ पेश करें। आप हजरात बेदारी के माहौल में ढल करके इनसे नाते रसूल समाप्त करें। अदब के साथ एक शायर ने क्या खूब कहा है अच्छे अंदाज में कि किसकी मजाल है जो नबी की मिसाल दे, कहते सुभान अल्लाह, किसकी मजाल है जो नबी की मिसाल दे, पश्चिम से कोई आज भी सूरज निकाल, किसकी मजाल है जो नबी की मिसाल दे, पश्चिम से कोई आज भी सूरज निकाल दे और बिक जाए मेरी झोपड़ी मंजूर है खुदा, लेकिन मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, बिक जाए मेरी झोपड़ी मंजूर है खुदा, लेकिन मदीना जाने का रास्ता निकाल दे, लेकिन तो रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है, मियां नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है, नबी के नाम लेवा है नबी पर जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। बिहार में जलसा हो रहा था बंगाल का मौलाना है तकरीर करने के लिए, देखते क्या एक तरफ के लोग आंख बंद करके सो रहे हैं दूसरे तरफ के लोग मुंह खोल के सो रहे हैं। वहां साहब गुस्सा में कहे करे भाई बिहार बंगाल से बुलाए हो बिहार में जलसा सुनने के लिए कि सोने के लिए, तो मजमे से आवाज आई हजरत आप तकरीर करिए जो आंख बंद करके सो रहे हैं वो ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और जो मुंह खोल के सो रहे हैं वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं अदब के साथ सुन ले, रसूल पाक के जैसे किसी की शान छोड़ी है, नाथ चवाली से ऐसा भाई देखेंगे रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है, मियां नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है, अजी नबी के नाम लेवा है नबी पर जान दे देंगे, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है, नबी के नाम लेवा है नबी पर जान दे देंगे। तो मौला अली की शान में शायर ने थोड़ी थोड़ी सुना तो कहा कि ये दिल जुदाई में जो ही उदास थोड़ी है, कोई भी शहर मदीना से खास थोड़ी है, तो अली का शेर गरजते दहाड़ते बोला हर एक के वास्ते आबे हयात थोड़ी है, और ये कह के छीन लिया बुजदिलों के हाथों से तुम्हारे बाप की नहरे फुरात थोड़ी है। नारे तकबीर नारे रिसालत जश्न गौसे वरा फैजान गौसे आजम, नारे तकबीर स्टेज पर होना कबूल मुअज्जज उलमाए किराम शोरा इस्लाम सामईन हज़रात
आप हजरात देख रहे हैं स्टेज पर हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ सनाखाने रसूल जनाब एहसान शाकिर साहब किबला जियनपुर से मेरी दावत पर तशरीफ लाए। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह हमें और आपको सुनना है। मैं बस एहसान भाई के लिए माहौल बनाने के लिए खड़ा हो गया हूँ ताकि एहसान भाई को आने के बाद मेहनत ना करना पड़े और कम वक्त में ज्यादा ना दिया कलाम हमें और आप सबको सुना सके। आइए और आप सबसे नाते पाक का मुकम्मल मतलब उससे कब तो फतन बरकतन आदतन कलामे आला दो अशार जिस्म पर फूलों के है रंगी लिबादानों का। कमेटी के बहुत बुमरान यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं मुझे। आप लोग से मैं अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ जहाँ कहीं भी हैं बराए करम आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस महफिल पाक में तशरीफ लाएं। बहुत मेहनत से बड़ी मेहनत से और मशक्कत के साथ एहसान भाई को बुलाया गया है और आप लोग नहीं आएंगे तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। इसलिए मैं खड़ा हूँ कि तमाम लोग मुझको सुनकर यहाँ आ जाएंगे और फिर एहसान भाई नदिया कलाम सुनाने लगेंगे। आपको समाज फरमाए जिस्म है वो जिस्म पर फूलों के है रंगीले बादानूर का जिस्म पर फूलों के है रंगीले बादानूर का। तो आप हजरात कहते सुभान अल्लाह जिस्म पर फूलों के है रंगी लिबादा नूर का खुश गुलोता इर के लब पे है सराना नूर का खुश गुलोता इर के लब पे है तराना नूर का और मुस्तफा का शहर है या शहर है या कोई बुका नूर का सुबह तैबा में गोई सुबह तैबा में गोई पटता है बारा नूर का सद कलेने नूर का आया है सारा नूर का नूर का तारा नूर का जिस्म पर फूलों के है रंगील बादा नूर का। और ये भी शेर शेरों के साथ समाज फरमा स्टेज पर खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अस्दुद्दीन साहब किबला तशरीफ रखे हुए हैं और शहजादा हुजूर किराम मिल्लत हाफिज सदरुद्दीन साहब किबला तशरीफ रखे हुए हैं। इन उलमाए किराम के कदमों के लगे हुए दरबार को अपने सर का ताज बनाते हुए शेर पढ़ता हूँ समाज फरमाए जिस्म पर उंगलियों को है फिराते मैद में आगे पीछे उंगलियों को है फिराते मैद में चांद पर भी है हुकूमत ये बताते महद में चांद पर भी है हुकूमत ये बताते महद में और मुस्तफा शाह
ने नबुवा महद में जाई चलता ना इशारों पर खिलौना नूर का जाई चलता ना इशारों नारे तकबीर नारे रिसालत जश्न गौसुल वरा उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत सुबह तैबा में हुई बचता पड़ता है